हेलो दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में तो रिक्त पदों की वैकेंसीज को लेकर अगर बात करें तो यहां पर जो है ऑफिशियल एक नोटिस जारी किया गया है सीएम जो कि आप लोग देखते हैं यहां पर सीएम के जो यहां पर उत्तराखंड डी आई है यहां पर जो है पुष्कर सिंह धामी में यहाँ पर जो है बताया गया सचिवालय में जो समीक्षा बैठक ली थी उसमें यहाँ पर तेईस सौ पदों की वैकेंसीज थी आपके यहाँ पर अतिथि शिक्षक का इसमें यहाँ पर जो है शीघ्र भरने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और सीएम धामी ने जो है यहाँ पर जो है जो आदेश जारी है, हैं कर दिए हैं साथ में यहाँ पर विद्यालय शिक्षा विभाग के अंदर जो है आउटसोर्स के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के ग्रुप डी पदों पर जो है तीन हजार पदों की वैकेंसी जो आपके यहाँ पर है उन पदों पर जो यहाँ पर करने की बात कही है और साथ ही यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य प्रवक्ता सहायक अध्यापकों के जो यहाँ पर पद रिक्त हैं उनके यहाँ पर जल्द जो है आयोग को अध्याचिन भेजी जाए और यहाँ पर बी आर पी सी आर पी के रिक्त पदों को जो है जल्द भरा जाए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जितने भी अध्याचन हैं एल टी एल शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती जो परमानेंट स्थायी भर्तियाँ होती हैं उनके अध्याचन आपके यहाँ पर आयोग को जाने हैं यू पी एस सी को क्योंकि यहाँ पर देखिए स्थायी भर्ती होना कंपल्सरी है आपका क्योंकि जब तक स्थायी भर्ती नहीं होती तब तक जो है आपको स्थाई अस्थायी तौर पर यहाँ पर गेस्ट शिक्षक लगभग तेईस सौ के करीबन जो है वैकेंसीज़ आपके आएंगी ठीक है इसके आदि जो है सीएम ने जारी कर दिए हैं जो कि यहाँ पर ऑफिशियल ट्वीट किए गए हैं ऑप्शन नोटिसन में नोटिस पे जारी करिए ठीक है थीके? और साथ ही आपका जो है बी आर पी एस है इनको जल्द भरने के लिए आप जो है आदेश भी जारी कर दे गए हैं इनमें नौ के करीबन जो पोस्ट हैं वो आपके आने हैं और इसमें बताया गया जो बी आर के पद हैं वो आप नौ के करीबन जो है शीघ्र भर दिए जाएंगे और यहाँ पर जो है जितने भी रिक्त पद हैं शिक्षा विभाग में उन सभी को भरने के आदेश जारी करते हैं और बैठक में जितने भी अपर मुख्य सचिव थे राधा राधा रतुड़ी है और यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरम है और रविनाथ रमन है और यहाँ पर जितने भी महान जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे सबको यहाँ पर जो है सम्मिलित किए गए थे और उन शिक्षा महान बंसर अधिवार इन सबको यहाँ पर जो है आदेश जारी करते हैं और इनका काम जो है अब यहाँ पर जितने भी व्यक्ति पद हैं उनकी अधिसूचना जो है यहाँ पर आयोग तक पहुँचाने की है यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने भी अध्याचन है उन सभी को यहाँ पर जो है लोक सेवा आयोग को यहाँ पर जो है भेजना है इसके आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं ठीक है तो ये आपके जल्दी यहाँ पर आपके चले जाएंगे और इनका अध्याचन बनके वापस से यहाँ पर जो है यू पी को जाने हैं उसके बाद से नई भर्ती का जो है प्रोसेसिंग चल जाएगा क्योंकि लगातार लगभग काफ़ी लंबे समय के बाद ही आपके यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो पाती है तो तब तक के लिए यहाँ जो है गेस्ट शिक्षक भर्ती जो कि अति शीघ्र भरने की हैं तो लगभग लगभग एक महीने के अंदरगत जो है आपके गेस्ट शिक्षक भर सकते हैं ठीक है एक महीने के अंदर्गत ये होना पॉसिबल बताया जा रहा है शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री उनके अनुसार